उकलाना विधानसभा की पूर्व में प्रत्याशी रही आशा खेदड़ को हिसार का जिला अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद आशा खेदड़ गांव खेदड़ पहुंची, जहां पर लड्डुओं से तोलकर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि विधानसभा प्रत्याशी के अलावा आशा खेदड़ को भाजपा जिला महामंत्री व प्रदेश में महिला मोर्चा की महामंत्री के पद से भी सुशोभित कर चुकी है। तो ये सब वो बंधु हैं जिन्होंने जिस दिन से मैंने राजनीति शुरू की कदम से कदम मिलाकर ये मेरे साथ चलते रहे। मेरा अपना परिवार, मेरे दादाजी स्वर्गीय राम सिंह जागलान जी, उनकी परिपाटी पर चलते हुए, चाहे मैं मेरे पिताजी पृथ्वी सिंह जागलान जी का नाम लूँ और चाहे मेरे चाचा हो चाचा राम निवास जी, चाचा नरेश जी, बाकी सब मेरे चाचा जी जगदीश जी, राजेश जी, प्रकाश जी, ये मेरा ये परिवार है। और इस परिवार के साथ मेरे परिवार की हमारी मेरी दादी और मेरी चाची ताई और गांव में भी जो रिश्ते हैं, चाची ताई हैं, चाचा ताऊ हैं, आप सब ने हर कदम पर मुझे उत्साह दिया है, हर कदम पर बढ़ावा दिया है कि तुम आगे बढ़ो, हम पीछे खड़े हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर मुझे मान सम्मान दिया, मैंने पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम किया है और उस काम करने से जब पार्टी खुश होती है तो कोई ना कोई दायित्व, कोई ना कोई जिम्मेदारी आपको देती है, हर बार कुछ ना कुछ पार्टी देती रही वो। और आज जैसा मंच के माध्यम से बताया गया कि जिला अध्यक्ष हिसार भाजपा जो पार्टी ने एक दायित्व दिया है, ये सच में बड़े गौरव की बात है, क्योंकि आज तक के इतिहास में किसी भी महिला को हिसार में जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया, ये पहली बार हुआ है। गांव खेदड़ की बहू डॉक्टर आशा खेदड़ आज जिला की अध्यक्ष बनी है। सालों साल से बीजेपी है और आज तक कभी भी, सिर्फ बीजेपी नहीं अन्य किसी पार्टी की भी आप बात करें तो कोई महिला अध्यक्ष आज तक बनी नहीं, तो ये बड़े मेरे लिए गौरव की बात है। लेकिन ये गौरव सिर्फ आप सबकी वजह से है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जब भी कभी कोई काम ऊपर से मुझे संगठन ने दिया, आप सब ने उसमें सहयोग किया, आप सब मेरे साथ खड़े रहे, मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं अकेली हूँ। मंच पर जैसे बातचीत हुई, सब अलग अलग पार्टी से हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की किसी अन्य पार्टी में आस्था है, लेकिन उसके बावजूद जब बात गांव की आती है, भाईचारे की आती है, तो सब एक हो जाते हैं। जैसे 2019 का चुनाव हुआ, हमारे गांव में दो राष्ट्रीय पार्टी की टिकट आई, ये बड़े गौरव की बात थी, क्योंकि मैंने सुना था कि हमारे गांव का बहुत लंबे समय से प्रयास था कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी भी अन्य पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता गांव से चुनाव लड़े, और हमारे गांव से दो दो प्रतिनिधि हुए, और सबसे बड़ी बात कि दोनों बहुएं थी। मैं जो एक चीज मैंने महसूस की, जो मेरे गाँव की धरती है वो बहन बेटियों के लिए, बहुओं के लिए बहुत पुण्य की धरती है। अगर कोई बहन बेटी, कोई बहू आगे बढ़ना चाहे तो गांव की मिट्टी, और इस मिट्टी में पला जो ये मेरा परिवार बैठा है, ये एकजुट होकर लग जाते हैं कि बहन बेटियों को हम आगे बढ़ाएं। और जिस मिट्टी में, जिस जगह पे, जिस परिवार में बहन बेटी की इज्जत होती है, वहां माँ वैभव लक्ष्मी का वास होता है, वहां भगवान स्वयं बसते हैं, और वहां तरक्की दिन दुनी रात चौगुनी होती है। वहां हम अगर बात करें शांति, सुख, वैभव, ये सब चीजें हमेशा के लिए अपना बसेरा बना लेते हैं। वो तभी संभव है जब, जैसा मैंने कहा, हमेशा हम श्लोक सुनते आए कि जहाँ नारी की पूजा हो वहाँ ईश्वर का वास होता है, और मेरा गांव ऐसा ही गांव है, जहाँ चाहे बहन हो, चाहे बहू हो, बेटी हो, सबको वही मान सम्मान मिलता है जो किसी भी हम देवी शक्ति को सम्मान देते हैं। ऐसे गांव की बहू होने पे मैं अपने आप को गौरवान्वित तो महसूस करती हूँ, और ईश्वर से भी बार बार धन्यवाद करती हूँ कि इस गांव में जो आपने मुझे बहू बनाकर भेजा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और ईश्वर से यही प्रार्थना कि ये परिवार और मेरा रिश्ता न सिर्फ इस जन्म में बल्कि अगले सातों जन्मों तक जुड़ा रहे, हम यूं ही एक बने रहे। चाहे आज इस गांव की बहू हूँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं कभी भी गांव खेदड़ की बेटी के रूप में जन्म नहीं लेना चाहूंगी, हमेशा की बात मैं कहती हूँ, आज भी ये बात कह रही हूँ, हमेशा बहू बन के आना चाहूंगी, क्योंकि बेटियों को तो दूसरे घर जाना होता है, बहू तो यही रहेगी। तो मैं तो अपने गाँव की बहू के रूप में ही इस गाँव में वापस आना चाहती हूँ जब भी आऊँ, और आप सबका प्यार स्नेह मुझे यूं ही मिलता रहे। एक संगठन ने, पार्टी ने जिम्मेदारी दी और मेरे गाँव ने इतनी बड़ी संख्या के साथ और इतने जोश के साथ जो मेरा स्वागत अभिनंदन किया है, ये
जैसा मैंने कहा कि पुण्य शायद बहुत ज्यादा किए हैं कि हर रोज मेरे गांव की तरफ से वो फल मुझे मिलता रहता है। जो कामों की बात आई है, पहले भी हमने कोशिश की है, सब ये जितनी टीम बैठी है या सामने जो है, सबने एक प्रयास किया कि हम कुछ ना कुछ अच्छा करें। और जब बात गांव के विकास की आती है तो मैंने देखा है कि सारा परिवार, चाहे वो किसी पार्टी से हो, वो सब मिलकर एक साथ लग जाते हैं कि हम सबने मिलके एक साथ अपने गांव के विकास के लिए काम करना है। और लगभग हम सफल भी होते हैं। जैसे हमारे जो ऐसे मैं जैसे बात हुई अभी बच्चों की, जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो थर्मल का जिनका काम रहता है, पहले भी कोशिश की लेकिन अब दो चार दिन का समय मुझे, क्योंकि आज परसों ही ज्वाइन किया है, तो दो चार दिन सब अधिकारियों से एक बार मिलना जुलना मीटिंग जो है वो हो जाए। उसके बाद मैंने सीएम साहब को अपील डाल दी है, दो तीन दिन में उनका समय भी मिल जाएगा, पूरी टीम के साथ हम एक बार जाएंगे और एक बार फिर पुरजोर प्रयास करेंगे जो जो बच्चे रह गए हैं उनका काम हो जाए और उनको रोजगार मिल जाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बात कही थी कि आप इनको 40 बच्चे मत समझिए, ये मत सोचिए आप 40 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आप 40 परिवारों को रोजगार दे रहे हैं। और उन 40 परिवारों के साथ, क्योंकि लगभग सब लड़के हैं, उन 40 परिवारों के साथ अगले 40 परिवार जुड़ेंगे जिनकी बेटियां हमारे घर आएंगी, तो ये 80 परिवारों को रोजगार आप दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात मैंने फोन पर कही थी जब मेरी उनसे बातचीत हुई, तो उनसे मिलने के लिए उन्होंने यही कहा कि अभी ये कार्यक्रम है, दो चार दिन आप अपना ये संभाल लो जो पदभार है, उसके बाद हम बैठ के बात करेंगे। तो उसके बाद हम जाएंगे और 100% दादाखेड़ा के सामने बात करते हैं। मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि ये हमारा काम बहुत जल्दी सिद्ध हो जाए। और जैसा सही बात है, हम जब भी यहाँ आते हैं जो कार्यक्रम होता है यही दादाखेड़ा के सामने हम करके तो चले जाते हैं, लेकिन दादा को कुछ नहीं देके जाते, ये बिल्कुल सही बात है। और अब जो भी अगली ग्रांट आएगी, जो भी हमें, चाहे वो डी प्लान के माध्यम से आए, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आए, मैं बताऊं तो जो, क्योंकि मेरा अपना कोई कोटा नहीं है, जो विधानसभा का कोटा आता है वो यहाँ का जो विधायक है मंत्री है उसको आता है, मुझे सीधा या तो मैं मुख्यमंत्री जी से लूं या डी प्लान का पैसा आएगा उसमें से लूं। तो उसमें से जो भी अब पहला ग्रांट आएगा उसमें से 5 लाख रुपए हम सीधा दादाखेड़ा के चरणों में रख के जाएंगे। ऐसा मैं बाबा साहब से प्रार्थना करूंगी कि दादाजी ये हमारी इच्छा आप पूरी करना, करने वाले आप हैं, हमने तो यहाँ सबने मिलकर ये आपके सामने प्रार्थना रखी है और ये कार्य पूरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ, जो एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी इस मान सम्मान के लिए, इस प्रेम के लिए, और आगे भी यूं ही मान सम्मान मिलता रहे। आज जहां हम खड़े हैं ये तो अभी कुछ भी नहीं, इससे तो बहुत आगे हमें जाना है, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों पर अपन सब मिलके काम करेंगे। दादा खेड़ा भी आशीर्वाद देंगे, बाबा शोरंगा शांतिगढ़ जी का आशीर्वाद रहेगा, बाबा सुल्तान जी महाराज का, और जो ये मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरे गांव की सरदारी जो यहाँ बैठी है, मातृ शक्ति बैठी है, आप सबका आशीर्वाद भी रहेगा, क्योंकि जब सब एक तरफ सोचते हैं, एक तरफ लगते हैं, तो ईश्वर भी उसमें साथ देता है। तो आप सबके आशीर्वाद के साथ मैं फिर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगी।